एक्सरसिट में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सरसिट का हेल्थ शो, जिसमें हम बात करते हैं आपकी वो आपके अपनों की हेल्थ की। आज हम हेल्थ शो में जानेंगे हमारा स्किन कलर कैसे होता है निर्धारित, ब्यूटी प्रोडक्ट, घरेलू नुस्खे, एक्सरसाइज, डाइट और लाइफ स्टाइल के बदलाव से गोरे होने का सच, क्या है ग्लूटाथियोन का सच, कितनी है ग्लूटाथियोन की कीमत, क्या है ग्लूटाथियोन इंजेक्शन, कैसे बढ़ाएं बॉडी में नेचुरली ग्लूटाथियोन की मात्रा, कौन सी स्किन होती है सबसे अच्छी, और जानेंगे क्या गोरा होना सच में मुमकिन है या नहीं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ग्लो और फेयर यानी निखार और गोरापन दोनों अलग अलग बातें हैं। कुछ प्रोडक्ट और घरेलू नुस्खों के उपयोग एवं एक्सरसाइज, डाइट और लाइफ स्टाइल में बदलाव करके हेल्दी और ग्लो स्किन पाना संभव है। अब बात करें फेयर स्किन की, तो उसके लिए हमें जानना होगा कि हमारी त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। मुख्य रूप से हमारी स्किन का कलर हमारे जीन्स पर निर्भर करता है, यानी हमारी त्वचा का रंग हमारे माता पिता की त्वचा से मिलता जुलता होता है। लेकिन इसके अलावा इसका एक मुख्य कारण है, वह है मेलानिन पिगमेंट। हमारे शरीर में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके बॉडी में कई कार्य होते हैं, लेकिन हमारे स्किन टोन के पीछे भी मेलानिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हमारी बॉडी में मेलानिन की अधिकता होती है, तो इससे हमारे स्किन का कलर डार्क होने लगता है, तथा इसके उलट मेलानिन की कमी से हमारा स्किन कलर लाइट होने लगता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि मजदूर वर्ग या गर्म स्थान पर रहने वाले लोगों की स्किन का कलर डार्क होता है, क्योंकि वह सूर्य के संपर्क में अधिक आते हैं, जिससे उनकी बॉडी मेलानिन पिगमेंट को अधिक रिलीज करती है और उनका कलर डार्क हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ऑफिस वर्क करने वाले, एयर कंडीशनर में रहने वाले और ठंडे प्रदेश में निवास करने वाले लोगों की स्किन का कलर अधिकांशतः लाइट होता है, क्योंकि वह सूर्य के प्रभाव से दूरी बनाए रखते हैं, जिससे उनकी बॉडी में मेलानिन अधिक रिलीज नहीं हो पाता। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आमतौर पर हमारे हाथ और हमारा चेहरा हमारे बाकी शरीर की तुलना में अधिक डार्क होते हैं, क्योंकि हमारा चेहरा और हमारे हाथ हमारी बॉडी की तुलना में सूर्य के संपर्क में अधिक आते हैं। इससे हमें समझ आता है कि हमें गोरापन प्राप्त करने के लिए मेलानिन के बढ़ने की वजह व इसे रोकने के उपायों के बारे में जानना होगा। अधिकतर घरेलू नुस्खे व ब्यूटी प्रोडक्ट हमारे मेलानिन पिगमेंट पर कोई प्रभाव नहीं डालते, जिनसे हमारी स्किन का गोरा नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ और तरीके हैं जिससे हम मेलानिन की अधिकता को रोक सकते हैं। हम ग्लूटाथियोन की मदद से मेलानिन को कंट्रोल कर सकते हैं। लंबे समय से कैंसर जैसी बीमारियों में ग्लूटाथियोन का उपयोग किया जाता था। जब इन पेशेंट में देखने को मिला कि ग्लूटाथियोन से उनकी त्वचा का रंग लाइट हो रहा है, तब ग्लूटाथियोन का ब्यूटी प्रोडक्ट में भी उपयोग होने लगा। आज कई क्रीम, साबुन, टैबलेट, इंजेक्शन की फॉर्म में ग्लूटाथियोन मार्केट में उपलब्ध है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि ग्लूटाथियोन कई बीमारियों में कारगर जरूर है, लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट में इसका उपयोग करना चाहिए या नहीं, यानी ग्लूटाथियोन से गोरा हुआ जा सकता है या नहीं, इस पर अभी तक कोई बड़ी रिसर्च नहीं हुई है। ग्लूटाथियोन की क्रीम और साबुन इसके इंजेक्शन और दवाइयों से सुरक्षित माने जाते हैं। इनकी कीमत लगभग 400 से 500 रुपए के बीच होती है। इसके बाद बात करें दवाइयों की, तो इनकी कीमत 100 से 200 रुपए होती है, और इनके रिजल्ट क्रीम व साबुनों के मुकाबले जल्दी देखने को मिलते हैं, परंतु इसके साइड इफेक्ट भी साबुन और क्रीम के मुकाबले अधिक होते हैं। और अब बात करें ग्लूटाथियोन इंजेक्शन की, तो ये सबसे जल्दी रिजल्ट देते हैं और इनका साइड इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा होता है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ग्लूटाथियोन से पेट दर्द, किडनी फेल, लीवर फेल और डेथ तक हो सकती है। साथ ही ग्लूटाथियोन का असर लगभग 40% लोगों में ही देखने को मिलता है। इसके एक इंजेक्शन की कीमत लगभग
5,000 से 10,000 रुपए के बीच होती है। बाकी यह अलग अलग डॉक्टरों पर निर्भर करता है। ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लेने की सभी डॉक्टर्स की अलग अलग प्रक्रिया है, लेकिन सामान्यतः यह प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले आपको सप्ताह में 2 इंजेक्शन दिए जाएंगे। लगभग 3 हफ्तों में आपको 4 से 6 इंजेक्शन दिए जाएंगे, जिससे आप में इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको बस हफ्ते में 1 इंजेक्शन दिया जाएगा, उसके बाद 2 हफ्ते में 1 इंजेक्शन, फिर 3 हफ्ते में 1 इंजेक्शन और फिर महीने में 1 इंजेक्शन लेना होगा। आपको बता दें कि यह इंजेक्शन आपके डार्क स्किन को पूरी तरह से लाइट स्किन में नहीं बदल सकते, यह बस आपको थोड़ा बहुत गोरा बना सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट बंद करने के बाद आपकी स्किन फिर से आपकी पुरानी स्किन जैसी ही हो जाएगी। मतलब आपको यह ट्रीटमेंट तब तक लेते रहना होगा जब तक कि आप अपनी स्किन को लाइट बनाए रखना चाहते हैं। 40% सफलता की संभावना। पेट दर्द से लेकर किडनी फेल, लीवर फेल व डेथ होने का खतरा। 5,000 से 10,000 रुपए के बीच की कीमत के इंजेक्शन, उम्र भर का ट्रीटमेंट, ना कोई बड़े रिसर्च, इतने सब के बाद भी बस थोड़ा बहुत गोरापन। हमारा सुझाव है कि आपको यह कदम उठाने से बचना चाहिए, बाकी यह आपकी मर्जी है। वैसे आप अपनी बॉडी में ग्लूटाथियोन की मात्रा को अपनी डाइट में थोड़ा बदलाव करके भी बढ़ा सकते हैं। पनीर, आलू, प्याज, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, केला, सेब, तरबूज, संतरा आदि ग्लूटाथियोन के अच्छे स्रोत हैं। अगर इन सब्जियों और फलों को कच्चा खाया जाए तो यह आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। हर डार्क और साउनी स्किन वाले लोगों के कान बस यही सुनना चाहते हैं कि गोरा होना संभव है, और आप ऐसा करके बड़ी आसानी से 2 दिन में गोरी त्वचा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यह सब एक झूठ है। फिलहाल के समय में ऐसा मुमकिन नहीं है। मगर एक जानने योग्य बात यह भी है कि लाइट और डार्क स्किन यानी मेलानिन की कमी और अधिकता दोनों ही एक तरह से बीमारी हैं, क्योंकि बॉडी में मेलानिन की मात्रा सामान्य होनी चाहिए। अधिकतर भारतीय खुशनसीब हैं कि उनकी बॉडी में मेलानिन की मात्रा सामान्य है, अर्थात उनका रंग सांवला है। वह एक स्वस्थ त्वचा के मालिक हैं। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त देख रहे थे एक्सरसिट। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपनी प्रतिक्रिया दें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो व सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।